इस्तेमाल करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की न्यूज 18 से खास बातचीत, सुनिए। डॉक्टर मोहन यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे सर? चौथे चरण में निश्चित रूप की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में जिस मतदान केंद्र में आपने अपना वोट डाला था, आज आप वहीं पहुंचे, बाबा महाकाल की कृपा रही कि आप मुख्यमंत्री बने, आज आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य है और इसका मैंने उपयोग किया। मेरा परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। इस चुनाव हम देखते हैं वोट जिहाद की बात होती है, फिर सैम पैत्रोदा आते हैं, नस्ल भेद की बात करते हैं। जिहाद है, जिहाद की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता है और इसी ने देश का नुकसान किया है। हमारे यहाँ तो रसखान की परंपरा रही, कितना भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन करते हैं, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये गौरवशाली परंपरा है। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद सभी को सहिष्णुता के साथ लेकर के इस पल के लिए जिंदा रहें जिसके कारण से भारत की गौरवशाली परंपरा रही। मणिशंकर अय्यर जो है पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं, ओवैसी का बयान भी अब सामने आ रहा है। अय्यर भयंकर हो गए, ये पाकिस्तान परस्त है। मुझे लगता है कि उनके अपने अंदर की पाकिस्तान की कोई पता नहीं क्या कौन सी अंदर की बीमारी है जो निकल के जब्दों को जब आती है। मैं समझ सकता हूं कि भारत के अंदर ये बात नहीं चलेगी, जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आखिरी सीट सर, 29 सीट में से क्या लग रहा है? 29 की 29 पार, 29 सीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर और सैम पैत्रोदा के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। ब्रिटिश एनालिस्ट डगलस आर मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, उज्जैन। नरेंद्र मोदी।